आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। विद्युत वितरण विभाग के मनमाने कार्य प्रणाली से नाराज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जांजगीर जिला स्थित बाराद्वार वितरण कंपनी कार्यालय का घेराव कर दिया। संगठन का आरोप है कि इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से आम जनता काफी परेशान है। मीटर रीडिंग बंद होने की स्थिति में लोगों को मनमाना बिजली का बिल दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदर्शन से हरकत में आए विभागीय कर्मियों ने भरोसा दिलाया है कि विद्युत आपूर्ति को लेकर जो समस्या बनी हुई है उसका जल्द निराकरण कर लिया जाएगा। नया लाइन खींचने का ट्रांसफार्मर स्थापित करने का मांग किया गया है, तो नए काम की स्वीकृति के लिए महीना भर तो टाइम लग जाएगा नए ट्रांसफार्मर और नए लाइन का। बाकी ग्राम सरवानी का और सरहर का जो पोल लगाने का है वो एक दो दिन में करवाएंगे, तुरंत हो जाएगा। अभी तो आप भी किया है, एक जगह से बात हो गया, उनके पास में सामान अवेलेबल नहीं थे तो ये तो नहीं हो पाया। मैं अर्जुन राठौर, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से, और हमारी विधानसभा सकते यहाँ किस सदस्य से आए थे? यहाँ बिजली विभाग की इतनी समस्या तेज बढ़ी हुई थी, हमने 15 दिन पहले अल्टीमेटम ज्ञापन दिया था लेकिन उसमें 15 दिन में कोई सुधार नहीं हुई। अभी वर्तमान में आज यहाँ आने का उद्देश्य एक ही था कि क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती, 5-5 महीने से रीडिंग नहीं होना, ग्राम पंचायत सरवानी में अपर्याप्त मात्रा में गिनती नहीं उतनी ज़्यादा समस्याएँ हैं, जैसे पोल की समस्या, कहीं पर पोल टूटा है, कहीं पर ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम। हमारे ग्राम पंचायत जेठा में जो पहले अभी भवन का निर्माण हुआ है, शासकीय भवन, वहाँ पर लोग हमारे सवैया भाई लोग निवास करते थे, उनको वहाँ से उठा के अपने निजी जमीन पे वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। KSN 24 न्यूज़ के लिए बाराद्वार जांजगीर चांपा से राम नगारची की रिपोर्ट।